नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन जो गेट 2014 में आया था, है ना। ये क्वेश्चन गेट 2014 के अंदर आया था, है ना। और 2014 के अंदर जो इसका सेट था, सेट टू से ये क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, द नंबर ऑफ द बाइट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर, दिस वन, दिस इज योर डेसिमल नंबर, ओके, इन द पैकेट बीसीडी, ओके। तो आपको क्या है, इस नंबर को डेसिमल नंबर के अंदर ये आपको नंबर दिया हुआ है, इसको आपको पैकेट बीसीडी में इसको बताना है कितने बिट आप बाइट्स चाहिए होंगे इसको। तो दोस्तों यहाँ वर्ड का ध्यान रखना, बाइट्स का, ठीक है। तो इसके की पॉइंट्स हम लोग देख लें। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर बाइट्स पूछा है। याद रखना, बहुत सारे लोग हमारा, क्योंकि पूरा ध्यान बिट पे होता है, तो हम लोग यूजुअली अवॉइड कर देते हैं तो कीवर्ड्स को ध्यान देने पे। तो बाइट्स है, तो बाइट्स का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको पता ही होगा कि बिट है ना। बिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट है ना, उसको शॉर्ट में बिट बोलते हैं। तो चार बिट जब मिल जाती हैं तो वो बनाती हैं एक निब्बल, है ना। निबल जो होता है इसकी सबसे छोटी यूनिट होती है, जो जो सबसे छोटा पैकेट बनता है, तो वन निबल बनता है, NIBBLE, है ना। और उसके बाद जब एक बिट आपस का पैकेट हम लेते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड वन बाइट, है ना। आप लोग ऑलरेडी ये सब चीज़ जानते होंगे। अब सवाल ये है, क्वेश्चन क्या आपसे बोल रहा है कि आपके पास ये डेसिमल नंबर ये है, इसको बीसीडी में कन्वर्ट करना है। तो जो एक डेसिमल नंबर होता है ना, वन डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर कितना, फोर डिजिट, फोर बिट चाहिए उसे बीसीडी में, फोर बिट बीसीडी, है ना। जैसे आपका पास आपका वन है तो इसको कितना लिखते हैं, जो बीसीडीज होते हैं वो जीरो से लेके नाइन तक होते हैं, जीरो टू नाइन तक हो जाते हैं। तो जीरो को चार बिट में जीरो 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 लिखेंगे, वन को जीरो 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 वन लिखेंगे, और नाइन को वन जीरो जीरो वन लिखते हैं। ये आपका बीसीडी के अंदर होता है। तो आपसे पूछा है कि जिसको आपको बाइट्स में रिप्रेजेंट करना है तो कितने आपको पैकेट चाहिएंगे, कितने बाइट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले काउंट करते हैं दोस्तों हम लोग, यहाँ पे कितने नंबर है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है ना। हमारे पास डेसिमल नंबर सात, यहाँ पर सात इसके अंदर डिजिट्स हैं। तो सात डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल कितना चाहिएगा, है ना, बाइनरी नंबर में आपको बिट्स में बनाने के, उसको बाइनरी नंबर कितने में बनाओगे, बाइनरी, बाइनरी बिट्स रिक्वायर्डेड, रिक्वायर्डेड सेवन इंटू फोर, क्योंकि हर एक नंबर को बीसीडी में फोर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, है ना। हर एक डेसिमल नंबर चार डिजिट से है, तो आपके पास सात, आपके पास यहाँ पे डेसिमल डिजिट्स हैं इसके अंदर, है ना। और आपके पास कितने, चार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बीसीडी के लिए चार चाहिए, तो सात के लिए कितना चाहिए होगा, वो आपको चाहिएगा सात चौक, यू विल रिक्वायर्ड इट 28, है ना, 28 बिट्स आपको यहाँ पे चाहिए होंगे, है ना। तो सात के सात चौक 28, ऑल राइट। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपको बाइट्स के पेयर बनाने पड़ेंगे, आपको पूछा है बाइट्स में, है ना, बाइट्स में। तो बाइट्स में क्या है, 8-8 के पेयर बनेंगे दोस्तों। जब 8-8 के पेयर बनेंगे तो इसको किस तरह लिखोगे, जब आपको ये 8 से 8 के पेयर बनेंगे तो आपको लगभग जो है इसको 28 को अगर आप 8 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास कुछ फ्रिक्शनल पार्ट आएगा, है ना, 3 point something करके आएगा, 3 point something करके। बट ये जो है ना, बाइट्स पूरे पूरे पैकेट बनेंगे, जो जो आगे वाली डिजिट होगी ना इसकी, सबसे आगे वाली डिजिट है ना, उसको क्या करेंगे, उसके आगे 0-0 लगा के पूरा एक बाइट का पैकेट बना देंगे। तो ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4, है ना। ये वो तरीका था जिसको आप अप्रोच कर सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के। अदरवाइज आपको नहीं समझ आता है सिंपली, तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर को एज इट इज लिखो, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, है ना। मेरे पास ये नंबर क्या था, आपके पास, मेरे पास नंबर था 1856 1856, है ना, 357 357, ठीक है ना। इसको चार डिजिट में लिखना है तो कैसे लिखोगे, 0111, इसको लिखना चार डिजिट में 0101, इसको कितना है 010011, इसको लिखना है 0110, दिस इज 0101, दिस इज 01001, को लिखना है 0001, है ना। एक पैकेट ये बनेगा, एक पैकेट ये बनेगा, एक बाइट का, एक बाइट का पैकेट ये बनेगा, और ये क्या है, आधा अधूरा, लेकिन आपको बाइट में कन्वर्ट करना है, तो इसके आगे आपको एक 00 कंसीडर करना पड़ेगा, एक बाइट का फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं ले सकते, इसको पूरी बाइट कंसीडर करना पड़ेगा, तो आपको इसके आगे एक 0 कंसीडर करना पड़ेगा, है ना, पूरे बाइट के पैकेट में, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा,
दो तीन चार, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, चार आ जाएगा, है ना। तो फोर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नई कंसेप्ट के साथ। बाय।